राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर और नागरिकता संशोधन कानून को लेकर पूरे देश में अफरा तफरी मची हुई है। ऐसे माहौल में राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर यानी NPR के लिए पहल शुरू होने से लोगों के मन में बहुत विभ्रांति उत्पन्न हो गई है। बहुत से लोग नहीं जान पा रहे हैं कि आखिर ये राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर यानी NPR क्या है और इसे क्यों अपडेट किया जा रहा है। आइए इस वीडियो के माध्यम से हम आपको समझाते हैं कि राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर क्या है। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर यानी NPR क्या है। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर जन्म तिथि, वैवाहिक स्थिति, जन्म स्थान और राष्ट्रीयता यानी घोषित आदि से संबंधित भारतीय नागरिकों का एक डेटाबेस है। अर्थात NPR देश के सभी नागरिकों के जनसंख्या की विवरणों का डेटा है। सभी नागरिकों के लिए NPR में पंजीकरण और सरकार को सही विवरण बताना अनिवार्य है। ज्ञातव्य है कि भारत में पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली सरकार के तहत कारगिल समीक्षा समिति ने गैर नागरिकों और नागरिकों के अनिवार्य पंजीकरण की सिफारिश की थी। इन सिफारिशों को 2001 में स्वीकार किया गया था। वर्तमान में जारी NPR अपडेट की प्रक्रिया असम को छोड़कर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में की जाएगी, जिसे अप्रैल से सितंबर के बीच पूरा किया जाएगा। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर NPR के उद्देश्य। दरअसल केंद्र और राज्य सरकारें कई जन कल्याणकारी योजनाएं बनाती हैं, लेकिन सरकार को कोई योजना बनाने से पहले ये जानना जरूरी होता है कि जिन लोगों के लिए कोई योजना बनाई जा रही है उन लोगों की संख्या कितनी है, उनकी आर्थिक स्थिति कैसी है, उनकी क्या आवश्यकताएं हैं और वे देश के किस राज्य में रहते हैं इत्यादि। इस प्रकार NPR का मूल उद्देश्य देश के नागरिकों का पूरा जनसांख्यिकीय डेटा एकत्र करना है। इस NPR डेटा में न केवल जनसांख्यिकीय बल्कि बायोमेट्रिक डेटा भी होगा। इस संबंध में और स्पष्टता लाते हुए जनगणना आयोग ने कहा है कि NPR का उद्देश्य देश के प्रत्येक सामान्य निवासी का एक व्यापक पहचान डेटाबेस तैयार करना है। NPR में किस तरह का डेटा शामिल किया जाएगा। NPR में मूल रूप से संबंधित देश के प्रत्येक व्यक्ति के जनसंख्या के विवरण को कवर किया जाएगा। ये डेटा होगा राष्ट्रीयता, घोषित व्यक्ति का नाम, जन्म तिथि, जन्म स्थान, माँ का नाम, पिता का नाम, लिंग, वैवाहिक स्थिति, पति का नाम यदि विवाहित है, स्थायी आवासीय पता, शैक्षिक योग्यता, व्यवसाय, वर्तमान पते पर रहने की अवधि, सामान्य निवास का पता, घर के मुखिया से संबंध। NPR की वर्तमान स्थिति क्या है। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के लिए डेटा 2010 में भारत की जनगणना 2011 के साथ एकत्र किया गया था। जनगणना के दौरान एकत्र किए गए डेटा को 2015 में पहले ही अपडेट किया जा चुका है और इसे डिजिटल भी बनाया जा चुका है। अब सरकार ने जनगणना 2021 के साथ साथ राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर को अपडेट करने का फैसला किया है। यही वजह है कि NPR चर्चा में है। इसलिए NPR के अपडेशन से सरकार को देश के लक्षित समूहों का आकलन करने में मदद मिलेगी, ताकि केंद्र पोषित योजनाओं के कार्यान्वयन से पहले उचित योजना बनाई जा सके। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और अन्य ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए विजिट करें jagranjosh.com। टिल द नेक्स्ट टाइम, इट्स अ गुड बाय।